आज मैं आपके सामने लेकर के आ रही हूँ 12 गोल्डन रूल्स ऑफ पेरेंटिंग। आज हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे बने। बच्चों को लेकर माँ बाप बहुत ज़्यादा कंसर्न है और आजकल यहाँ तक देखने में आ रहा है कि बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए, उसके ऊपर आज स्पेशली हम लोग काउंसलिंग के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं देखने में नज़र आती है। हम लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया, जो टीचिंग्स हम लोग देते हैं आज वो गोल्डन टिप्स के रूप में मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। सबसे पहला गोल्डन रूल है रिस्पेक्ट योर चाइल्ड। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बच्चे के बिहेवियर को देखकर, उसकी कुछ एक एक्टिंग्स को देखकर हम उसे डांट देते हैं और हम उसे कहते हैं तुम्हें तो ये आता नहीं है, तुम तो कुछ कर नहीं सकते। ऑलवेज बी पॉजिटिव विद योर चाइल्ड। जो आप बोलते हैं वो उसके लिए एक स्टेटमेंट होती है, उसका एक बहुत गहरा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू रिस्पेक्ट योर चाइल्ड। किसी भी केस में उसको लो ना फील करने दें। आप पाएंगे कि आपका बच्चा एक दिन बहुत अच्छा ब्राइट चाइल्ड बन करके निकलता है। सेकंड है, कई बारी कई कार्य के लिए हम लोग उनको प्रेशराइज करते हैं, आपको ये करना है, आपको ये बनना है। अब भले आप उसको जो भी बनाना चाहते हैं, आप उसके स्किल को डेवलप करिए। अगर उसका स्किल कहीं नहीं डेवलप हो रहा तो आप उस बच्चे के इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करिए और उसको इंटरेस्ट से कहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि बच्चा कुकिंग में थोड़ा हाथ बटाए, तो आप बच्चे को कहें कि आज माँ को भूख लगी है, बेटा तुम मुझे काम में मदद करोगे, तुम मेरे लिए एक चपाती बनाओ तो मैं भी बैठ के खाती हूँ। बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम बच्चों को टैकल कैसे करते हैं। थोड़ा सा बच्चों को थर्ड गोल्डन रूल है, फ्रीडम देना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार बहुत ज़्यादा डूब्स एंड डोंट्स हम लगाते हैं, या कई बार इतनी लिबर्टी हम बच्चों को दे देते हैं कि तुम जो चाहे तुम करो, वो भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को समझ नहीं होता है। बच्चे पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, बाहरी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस इतने ज़्यादा हैं कि उसके प्रभाव में आ करके बच्चे अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रभावित महसूस करने लगते हैं और उस तरफ जाने लगते हैं। आप उनको थोड़ा सा प्यार से कहें कि देखिए, जो चीज़ आपके लिए ज़रूरत है बच्चे, हम बड़े हैं, आप ये समझते हो ना, तो इसलिए जब जो चीज़ आपको चाहिए हम आपको ज़रूर देंगे। आपका फर्स्ट कैरियर आपका क्या है, उसे प्यार से पूछिए। वो ज़रूर कहेंगे कि स्टडीज़ है, आई वॉन्ट टू बी ए गुड ह्यूमन बींग। आप उसको गाइड करें और रिस्पेक्टफुली गाइड करेंगे तो वी बिलीव आप डेफिनेटली उस चीज़ के अंदर सक्सेसफुल होंगे। कई बार ऐसा होता है, फोर्थ गोल्डन रूल है कि हम बच्चों की सुनते ही नहीं और अपनी ही बातें इम्पोज करते हैं और हम कहते हैं कि हम तो बड़े हैं, तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो हमारी माननी चाहिए। बी फ्रेंडली विद योर चाइल्ड। यू नो, बच्चे भी आजकल बहुत कुछ सीख जाते हैं छोटेपन से, क्योंकि उनको आजकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। व्हेन वी लिसन देम केयरफुली, एकदम ये बात ध्यान में रखिए कि उनको ना मत करें कि आप ऐसा नहीं करो। अगर आपको कोई बात उनकी अच्छी नहीं लगती है तो प्यार से सुनने के बाद बच्चे को प्यार से देखेंगे तो बच्चा ज़रूर कहेगा हाँ मम्मा, हाँ पापा, आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ बड़ा भाई अगर उसका है, आप भैया क्या कहना चाहते हैं, तो उसको हम कहें कि हम ऐसा समझते हैं कि अगर आप ऐसा ना करके ऐसा करें तो प्रॉब्ली यू विल राइज इन योर लाइफ। गिव हिम और हर सम टाइम, बट यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। आई थिंक जहाँ हम रिस्पेक्ट देते हैं, हर एक को रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट मिलने से बच्चों के अंदर डिग्निटी से जीने का एक संस्कार पैदा होता है। बी पेशेंट होना फिफ्थ रूल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम इतने उतावले हो जाते हैं, उनकी बात को समझते नहीं हैं और अपनी बात को उतावलेपन में कह देते हैं, तो इससे बच्चे के अंदर लगता है कि मेरी बात की तो कोई कदर ही नहीं है, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है। तो वो क्या हो जाता है कि फैमिली के अंदर एक डिस्प्यूट सा, डिसहार्मनी का एनवायरनमेंट बन जाता है। तो इस डिसहार्मनी के एनवायरनमेंट को परे करने में पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कसूर हमारा भी नहीं होता। कई बार हम लोग थके हुए आते हैं ऑफिस से, या घर के इतनी कारोबार हो जाती हैं, कई बार घर की कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पर आप बच्चे को ग्रो करना चाहते हैं। आपने जब उसको पैदा किया है, पेशेंस से पैदा किया है ना, तो इसलिए पालिए भी उसको पेशेंस के साथ।
सिक्स्थ गोल्डन रूल मैं समझती हूँ कि आप उसको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाइए। आप उसे सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बेटे तुम्हें क्या बनना है, एक बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है, एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है। कभी उसको ये भी सिखाइए कि आपको एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है। ह्यूमन बीइंग माना दिल से हर एक के प्रति अच्छा सोचना। जब हम दिल से हर एक के प्रति अच्छा सोचने लगते हैं, हर एक के प्रति गुड थिंकिंग और गुड फीलिंग को जनरेट करते हैं, तो उससे हमारी आपस में एक बॉन्डिंग बनती है एक दूसरे के साथ, और बॉन्डिंग बनने से हम आपस में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और प्यार की, रिस्पेक्ट की और हार्मनी की एनर्जी का एक्सचेंज होता है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन डे टू डे लाइफ रिलेशंस। इसी तरह से जो सातवीं बात आती है, जो मैं समझती हूँ सेवंथ गोल्डन रूल है, पेरेंट्स को दोनों को इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोगों ने कई बार ऐसा महसूस किया है कि सपोज़ करो वाइफ नॉन वर्किंग है, हस्बैंड वर्किंग है, तो कई बार बिजनेस क्लास में तो मोस्टली ये देखने में आता है कि कई बार उनको ये ही नहीं पता होता हस्बैंड्स को कि मेरा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है, और बच्चे के आने से पहले वो निकल जाते हैं या बच्चा सो रहा होता है, फादर चले जाते हैं, कई केसेस में ऐसा होता है, अर्ली निकल पाते हैं, रात को लेट आते हैं। तो बच्चों को क्वालिटी टाइम देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे के साथ कितना समय बैठे और आपने बच्चे के साथ क्या किया, लेकिन बच्चे के साथ जितना भी समय आपने टाइम स्पेंड किया, आपने उससे पूछा, बच्चे तुम खुश हो, तुम ठीक हो, तुम्हारी कोई रिक्वायरमेंट है, वी आर देयर टू फुलफिल, इससे बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और बच्चे पेरेंट्स से जुड़ते हैं। जब पेरेंट्स से नहीं जुड़ पाते बच्चे, तो वो फ्रेंड सर्कल की तरफ ज़्यादा दौड़ते हैं। तो इसलिए उनको कुछ वैल्यूज़ लाइफ में सिखाना, जैसे आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जब आपका बच्चा जाता है स्कूल या कॉलेज में, आप उनको बचपन से ही एक आदत डाल दीजिए, वो एक अच्छी सी टिप कि बच्चे आज सारा दिन खुश रहना, आज कोई भी आपको मिले, कोई कैसी भी बात कहे, आप इरिटेट नहीं होना, आप हमेशा उनको अच्छी गुण देना, शक्ति देना, तो आप देखेंगे कि वो बच्चा उस बात को, जब कोई ऐसी प्रॉब्लम उसके सामने आएगी, तो वो उसके एकदम मन में उतरेगी और वो एक वैल्यू बेस्ड उसका जब फाउंडेशन बनेगा, तो वो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सिटीज़न बनकर के निकलेगा। और गुड ह्यूमन बीइंग्स की आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि आज संसार में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ अपने बच्चे के लिए स्पेशल मोमेंट्स भी निकालें। स्पेशल मोमेंट्स से मतलब यही नहीं होता कि हम लोगों ने आजकल एक यही समझ लिया है कि उनको कहीं बाहर आउटिंग्स पे ले जाना, कुछ उनके साथ ऐसी बातें करना, अपनी लाइफ के कुछ सक्सेस स्टोरीज शेयर करना कि हमने किस तरह से अपनी लाइफ के अंदर कैसे हम लोगों ने ग्रो किया। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे को बहुत ज़्यादा मनी से एक्सपोज कर देते हैं। जब बच्चों को ये पता लगता है कि पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, तो वो बच्चे उससे इन्फ्लुएंस होकर के कई काम ऐसे करने लग जाते हैं जिसके कारण से उनको उन बातों से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप बच्चे को स्पेशल मोमेंट्स देते हुए उनको अपने घर की प्रॉब्लम्स भी थोड़ा शेयर करिए, उनको अपनी फैमिली की अच्छाइयाँ भी बताइए कि किस तरह से वैल्यूज़ के बल पर हम लोगों ने लाइफ में ग्रो किया है। कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज शेयर करें जिससे उन बच्चों के अंदर कुछ ऐसी बातें जनरेट हों, कुछ उन बच्चों के मन में कुछ ऐसी बातें भी क्रिएट करें जिससे उनके अपने ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति प्यार पैदा हो। कई बार ऐसा होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स को बच्चे देखते ही नहीं हैं, वो समझते हैं तो बूढ़े हो गए, हम तो यंग हैं, हमें तो दुनिया में घूमना फिरना है। उनके पास समय ना देना, थोड़ा सा समय देने से उनके दिल से जो दुआएं निकलती हैं वो उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाती हैं। तो धन ही सब कुछ नहीं होता, स्किल्स ही लाइफ में सब कुछ नहीं होती, उससे बड़ा एक एसेट होता है दुआ। दुआएं लेना और देना भी उनको सिखाना पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। इसी तरह से नेक्स्ट रूल मैं जो समझती हूँ कि कुछ लिमिट्स भी हम सेट करें बिहेवियर के प्रति। कई बार हम उनको, कैसा भी बिहेवियर है बच्चे का, छोटी छोटी बात में जोर जोर से हंसना, किसी की बात का मजाक बनाना, किसी के साथ फेस देकर के बात ना करना,
नमस्ते करना तो रिस्पेक्टफुली ना करना, ये बातें बड़ी छोटी सी हैं, लेकिन अगर आप इसको अपने जीवन के साथ लगाकर देखेंगे तो आप ये ज़रूर पाएंगे कि ये बातें हमें अखरती हैं जीवन में। जब कोई हमारे साथ इस तरह से बात करता है तो उनके बिहेवियर को देखते हुए भी उन पर आप थोड़ा सा, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, आप उनको समझा सकते हैं। अगर उनमें लेजीनेस का संस्कार है तो आप उन्हें डांटिए नहीं, आप उन्हें ये ना कहिए कि आप सवेरे नहीं उठते हैं, आपको उठना चाहिए। उनको प्यार से आप उनको थप्पड़ ना लगाएं, जोर जोर से चिल्लाएं नहीं, उनको कहें कि बेटा इस सुबह में उठना बहुत अच्छा होता है। इस समय हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ ऐसे सिक्रीशंस पैदा करती है जो हमारी माइंड और बॉडी को अच्छा रखने में बहुत मदद करते हैं। तो अगर आप सुबह उठेंगे तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेंगी। बच्चे, जो आपको चाहिए चाहे मम्मा आपको बना के देगी, लेकिन आप उठ के पढ़ो, क्योंकि ये आपकी एज है अच्छी तरह से पढ़ाई को करने की, और सुबह का माहौल भी अच्छा होता है। तो मैं समझती हूँ कि स्लोली स्लोली अगर इस तरह की कुछ बातें बच्चों के साथ आप शेयर करेंगे, फिर बच्चों से पूछेंगे बेटा कैसा लगा, एक फ्रेंड होकर उनके साथ में ये बातें शेयर करें, तो बच्चा खुलेगा और कहेगा मम्मा आज मुझे मज़ा नहीं आया। कहना बच्चा कोई बात नहीं, आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना, अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाना है ना, तभी तो आप सोसाइटी में विनर बनेंगे। तो इस प्रकार की बातें करते करते जब आप उनको बातें फीड करेंगे तो उनके लाइफ में एक बहुत अच्छा चेंज आएगा। उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाएं। मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा गोल्डन रूल है। कई बार हम लोग जब पेरेंट्स अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स लेकर के आते हैं, कुछ ऐसी हरकतें बताते हैं, तो हमें बड़ी हैरानी होती है कि जिस एज पर उनको वो बातें मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिली। जैसे मानो छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनको ना उनके जूते लाइन में लगाना या जहाँ उनका रैक है वहाँ रखना सिखाते हैं, डाइनिंग टेबल से अपनी प्लेट उठा करके जहाँ रखने की जगह है, रोटी खुद भी बच्चा ले सकता है, उसको प्लेट में रख कर के खाना कैसे है, मुंह खोल कर के नहीं खाना है। तो ये सारी बातें सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पेरेंट्स की होती है। कोई बड़े आते हैं मम्मी पापा घर में नहीं है, तो यही कह देना काफ़ी नहीं होता कि मम्मी पापा घर में नहीं है। आदर से, सत्कार से, प्यार से यदि वो उस गेस्ट को जानते हैं तो कम से कम बिठाएं अवश्य, और उनको सिखाएं कि आप उनको पानी दे सकते हैं, और कम से कम खाना बना नहीं सकते लेकिन पूछ तो सकते हैं कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, हम आपके लिए बनाते हैं। तो आप देखिए आपके बच्चे के प्रति जो आपके घर में गेस्ट आए होंगे उनका कितना रवैया आपके बच्चों के प्रति ऊंचा हो जाएगा, और वो कितने लोगों से जाकर आपके बच्चे की सराहना करेंगे। आप यही तो चाहते हैं ना कि आपके बच्चों की सराहना सबके बीच में हो। 11वां जो मैं समझती हूँ गोल्डन रूल है पेरेंटिंग के लिए, कि अपने बच्चे को आप डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूर करें और उसमें फर्मनेस को भी बहुत ज़रूर लेकर के आएं। डिसिप्लिन से मेरा मतलब है कि कई बार हम केवल फिज़िकल डिसिप्लिन की ही बात करते हैं, उनको ये भी बताएं कितना सोचना आपके लिए ज़रूरी है। ये एजुकेशन किसी यूनिवर्सिटी में नहीं दी जाती, ये पेरेंट्स माँ बाप बच्चों को सिखा सकते हैं कि फालतू सोचना हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट पॉजिटिव एंड एलिवेटेड थॉट्स। उनको सिखाएं कि कैसे कन्वर्ट करें। अगर मानो कोई आपके बच्चे के साथ गुस्सा या नाराज़गी से बात करता है तो बच्चे को कहो कि आप स्माइल कर दो, आप ज़्यादा बोलो नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके उम्र में बड़े हैं। फिर यदि आपके मन में कोई संकल्प आता है तो आप उसको एक पॉजिटिव थॉट से कन्वर्ट करिए कि देखिए हर सोल का यूनिक रोल होता है। उनका रोल है गुस्सा करने का, लेकिन मेरा रोल होना चाहिए उनको शांति के, प्यार के वाइब्रेशंस देने का। क्यों ये संभव नहीं हो सकता है? आप इसको करके तो देखना कितना आपको फ़ायदा होगा। और लास्ट गोल्डन रूल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, आप भी ए गुड रोल मॉडल। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे ऐसे हैं, वो ऐसा करते हैं। मैं समझती हूँ कि बच्चों को ब्रिंगअप करने में पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चों को अगर हम थोड़ा सा क्वालिटी टाइम देते हैं और बच्चों के लिए हम लोग रोल मॉडल बन कर के चलते हैं। कई बार हम ही लेट सो करके उठते हैं, छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, बच्चों को थप्पड़ लगा देते हैं, किसी का टेलीफोन आया तो कह देते हैं बच्चे तुम उनको मना कर दो, हम घर में है ही नहीं।
जबकि घर में ही होते हैं, तो बच्चे होते तो छोटे हैं, सीख तो माँ बाप से ही रहे होते हैं, उस समय उनको लगता है कि देखो पेरेंट्स ने झूठ बोल दिया। और जब उनके सामने कोई बात आती है तो हम उनको कहते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोला करते, आप करते हो ना ऐसे। तो जब बच्चों के सामने हम ऐसा करते हैं तो बच्चे हमारे वाइब्रेशंस को, हमारी एनर्जी को कैच करते हैं, क्योंकि बच्चों की ग्रेस्पिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपके बच्चे कल के लीडर्स बने और समाज के अंदर एक ऐसे ह्यूमन बीइंग बन कर के आए कि आपके बच्चे को सारा विश्व याद करे। तो इन 12 गोल्डन रूल्स पर आप यदि ध्यान देंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। नमस्कार। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।